हेलो बच्चों, तो आज आपके लिए जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड बन सकते हैं उतने क्वेश्चन मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, इसमें सारे इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मूलेज हैं, एक बार उसको जा करके आप देख लीजिए। सारे फॉर्मूलेज न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए किन किन फॉर्मूले की हमको ज़रूरत होगी, तो पहले एक बार अच्छे से फॉर्मूले रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद आप ये वीडियो देखिए, आपको बहुत अच्छे से सारे न्यूमेरिकल ईजिली सॉल्व हो पाएंगे। और इलेक्ट्रिसिटी में पहली चीज़, जितने आप क्वेश्चन लगाएंगे उतनी अच्छी आपकी न्यूमेरिकल की जो बेसिकली जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी आपकी, उतने अच्छे आपकी न्यूमेरिकल स्ट्रांग हो जाएंगे। किसमें? इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड। समझ में आ रही बात? तो उसके लिए आपको क्या करना है, फॉर्मूले अच्छे से याद करने हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन लगाने। तो जितने क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर बोर्ड में आ चुके हैं या मेरे को लगता है कि हाँ इस टाइप क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है, तो वो क्वेश्चन मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। तो एक पहला क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, पहले मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, उसके बाद हम धीरे धीरे लेवल अपना हाई करते जाएंगे और अच्छे से अच्छा क्वेश्चन देखेंगे हम। तो सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन है, पहले मैं यहाँ पर क्वेश्चन में जो गिवन है वो लिख रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करिएगा और उसके बाद आप देखिएगा। अगर नहीं होता है ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपसे हो जाएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर वन देख रहे हैं हम, क्या है क्वेश्चन नंबर वन? क्वेश्चन नंबर वन कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग वन कूलम ऑफ चार्ज, एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सोचिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्या पूछा है, एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो मैंने पहली वाली वीडियो बनाया था वो यही था, क्यू इक्वल्स टू एन ई, ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। क्यू क्या होता है? चार्ज होता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग आपको अगर हम बात करें तो चार्ज फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है क्यू इक्वल्स टू एन ई, और यहाँ पर हमको कितना चार्ज दे रखा है, वन कूलम चार्ज दे रखा है। क्वेश्चन में पूछ के रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग वन कूलम ऑफ चार्ज, तो एन की वैल्यू फाइंड करनी है। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो यहाँ पे एन की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे आप, एन की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको अपॉन में ले आएंगे, 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 कूलम आंसर, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है तो आंसर आ जाएगा कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 10 की पावर 18 कूलम, दिस इज योर आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स पूछा है उसको कैलकुलेट करना था। सिंपल सा फॉर्मूला अगर आपको याद है, सीधा फॉर्मूला लगाइए, वैल्यू पुट करिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालिए। ठीक, अब एक क्वेश्चन है हमारे पास, जनरली इस क्वेश्चन को बच्चे गलत कर देते हैं, तो इसको भी मैं यहाँ लिखा है, जगह स्पेस है भी हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर टू देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर टू कह रहा है आपके पास एक पीस ऑफ वायर है जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम है, इज ड्रॉन आउट सो दैट इट लेंथ इज इंक्रीज टू ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ, कैलकुलेट न्यू रेजिस्टेंस। तो आपको क्वेश्चन में कह रहा है आपके पास एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना दे रखा है आपको, 20 ओम दे रखा है। आपके पास एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना गिवन है, 20 ओम गिवन है आपको, और क्वेश्चन में कह रहा है कि जब लेंथ एल थी तब रेजिस्टेंस कितना था, 20 ओम। जनरली लेंथ क्वेश्चन में गिवन नहीं है लेकिन हमने इनिशियली लेंथ क्या मानेंगे, एल मानेंगे। नेक्स्ट केस में कह रहा है कि आपने जो वायर की लेंथ है उसको क्या कर दी, ट्वाइस कर दी, जो अब नई लेंथ है वो डबल कर दी, इंक्रीज कर दी आपने ट्वाइस ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। तो यहां पे जो नई लेंथ है वो क्या हो जाएगी आपकी, 12 हो जाएगी। अब एक बार बताइए, जब आप किसी वायर को स्ट्रेच करेंगे, बढ़ाएंगे उसकी लेंथ को, तो उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे भी फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, बताएं जरा, उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे क्या पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। कितने टाइम्स वो इंक्रीज या डिक्रीज होगा, पहली बात तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज, ये बताइए, सोचिए जरा। जब आप जैसे जैसे अभी ये मार्कर है इसको मैं स्ट्रेच करता हूँ, खींचता हूँ, तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है, जितने टाइम्स लेंथ इंक्रीज होती है उतने टाइम्स एरिया क्या होता है हमारा, डिक्रीज होता है। जितने टाइम्स लेंथ इंक्रीज होती है उतने टाइम्स एरिया क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे लेंथ कितने टाइम इंक्रीज हुई है, 2 times, तो यहां पे एरिया कितने टाइम्स कम हो गया, अगेन हाफ हो गया उसका। अब बताइए मेरे को नई जो रेजिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, नया रेजिस्टेंस कितना होगा, तो R' की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है,
रो एल वाई है, बट रेजिस्टेंस नया पूछा है तो लेंथ भी और एरिया दोनों क्या होंगे, नए होंगे। अब नया लेंथ कितना है आपके पास सर, 2L है, एरिया कितना है a बाय 2, ये 2 किधर जाएगा ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा 4 रो एल अपॉन ए। और जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो भी शायद आपको याद होगा, तो यही बताया हमने आपको क्या होता है, रो एल अपॉन ए, क्या होता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, रो एल अपॉन ए। इस रो एल अपॉन ए की वैल्यू, इस रो एल अपॉन ए की वैल्यू आर, और इस आर की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में हमको, 20 ओम दे रखी है, तो आर डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 इंटू कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, कितना आंसर आ गया 80 ओम आंसर आ गया, सिंपल। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, जितने टाइम्स लेंथ बढ़ती है, जितने टाइम्स लेंथ बढ़ती है उतने टाइम्स एरिया क्या करना है आपको, डिक्रीज। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे रो एल अपॉन ए। कई बार देखा है, लास्ट 10 ईयर से मैं पढ़ा रहा हूँ और आप बता देता हूँ आपको मैं, कि इतनी बार बच्चे फॉर्मूला सिर्फ आपको पुट करना होता है, ये बेसिक कंडीशन है वो आपको पुट करनी होती है, आंसर सही आएगा, बट लेंथ 2L लिख देंगे और एरिया एज इट इज ए के फॉर्म में लिखे रहने देंगे, तो आंसर कभी सही आएगा क्या, सोचिए जरा, नहीं आएगा आंसर कभी सही। तो उसके लिए क्या करना है आपको, लेंथ अगर जितने टाइम्स बढ़ाई है हमें एरिया भी उतने टाइम्स कम करना चलता है, ठीक। चलिए, लेंथ हमने 2L बढ़ाई तो एरिया भी हमने उतने टाइम्स कम कर दिया, a बाई 2, 2 को ऊपर ले गए, 4 रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए की वैल्यू r, r की वैल्यू 20 ओम, 20 ओम पुट करी, 4 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया। अगर ये क्वेश्चन इस टाइप से होता कि आपके पास एक वायर है l लेंथ का, ठीक है, यहाँ पे तो लेंथ क्या करिए डबल करिए, अभी मैं बोलता क्वेश्चन इस वायर को फोल्ड कर दिया, क्या कर दिया, फोल्ड कर दिया, जब इस वायर को आप फोल्ड करेंगे तो लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा l बाई 2, ये वायर है इसको आपने क्या कर दिया, फोल्ड कर दिया, ये ऐसे फोल्ड कर दिया, जब आप इसको फोल्ड करेंगे तो लेंथ कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, ठीक। अब एरिया क्या होगा सर, पहले एरिया a था, अब एरिया डबल हो जाएगा, जितने टाइम्स आपने फोल्ड किया है उतने टाइम्स एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ऐसा क्वेश्चन भी बोर्ड में आया हुआ है, इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं। यहां पे क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ें एक बार, वापस पढ़ते हैं, अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम इज ड्रॉन आउट सो दैट इट्स लेंथ इज इंक्रीज टू ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ, यहां पे लेंथ डबल कर दी हमने ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। अगर वो बोलता कि आपके पास वायर है उसको आपने क्या कर दिया, फोल्ड कर दिया, तो फोल्ड करने के बाद आपको लेंथ क्या मिलेगी, एल बाई टू, एरिया क्या हो जाएगा जब आप डबल कर दोगे लेंथ को फोल्ड करके, सॉरी लेंथ को हाफ कर दिया आपने, लेंथ को हाफ कर देंगे तो एरिया क्या होगा, इंक्रीज होगा, बात समझ में आ रही है। अब जरा लगाइए फॉर्मूले को क्या होगा, अभी यही क्वेश्चन होता और हमें रेजिस्टेंस कितना गिवन होता 20 ओम, तो क्या करते हम यहाँ पे आर की वैल्यू, आर डैश की वैल्यू रो एल कितना हो गया अपने पास, एल बाई टू अपॉन में कितना 2A, सॉल्व करिए इसको क्या आएगा एल अपॉन 4A, रो एल अपॉन ए की वैल्यू अगेन कितनी 20 ओम, रो एल अपॉन ए की वैल्यू कितनी 20 ओम, 20 किससे डिवाइड करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा 5 ओम, आंसर कितना आ गया 5 ओम। तो देखिए लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना आनी चाहिए आपको, अगर इंक्रीज बोला हुआ है तो क्या करेंगे एरिया को डिक्रीज, अगर फोल्ड बोला हुआ है तो हम एरिया को क्या करेंगे इंक्रीज करेंगे, बात समझ में आ रही है, सिंपल थी चीज़। और वैसे भी आपको मालूम है अगर एरिया बढ़ता है तो रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए ओरिजिनल से कम होना चाहिए, एरिया और रेजिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशन होता है, इनवर्सली रिलेशन होता है, इफ एरिया इज इंक्रीजेस देन रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, समझ में आ रही बात, लेंथ के बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या होता है इंक्रीज होता है, देखिए यहाँ पे लेंथ पहले एल थी अब डबल हो गई तो रेजिस्टेंस के बढ़ने से रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, 20 ओम से कितना हो गया 80 ओम हो गया। आई होप कि आपको ये बेसिक चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी, अब आगे से अब आप कोई गलती नहीं करेंगे, क्लियर ओके। और क्वेश्चन देखते हैं, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैं यहाँ पे उसको डिस्कस कर रहा हूँ, और वो क्वेश्चन है आपके पास दो वायर हैं, क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन है, एमसीक्यूज में स्टार्टिंग में आता है 3 या 4 नंबर का होगा,
चेक कर लीजिएगा आप, आपके पास एक दो वायर है, ठीक, आपके पास दो वायर है। क्वेश्चन में मटेरियल क्या बोला हुआ है, सेम मटेरियल का क्वेश्चन है, ठीक, क्वेश्चन में मटेरियल भी सेम दे रखी है हमको, लेंथ भी सेम दे रखी है, डायमीटर भी सेम दे रखा है हमको, ठीक, डायमीटर भी सेम दे रखा है। जब दो वायर सेम मटेरियल सेम लेंथ एरिया डायमीटर सेम होने का मतलब उनका एरिया भी जो है वो क्या है, सेम है, ठीक, तो उनका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, दोनों वायर का जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, सेम होगा। तो एक वायर का रेजिस्टेंस R मान लीजिए, दूसरे वायर का रेजिस्टेंस भी क्या मानेंगे, R, क्योंकि दोनों का रेजिस्टेंस क्या रखना है आपको, सेम रखना है। फिर क्वेश्चन में कहता है इन दोनों वायर को पहले आपने किस में कनेक्ट किया, सीरीज में, फिर आपने किस में कनेक्ट किया, पैरेलल में कनेक्ट किया, एक बार आपने सीरीज में कनेक्ट किया, एक बार आपने पैरेलल में कनेक्ट किया। उसके बाद कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एंड पैरेलल, आपसे क्या बोल रहा है वो, हीट का रेशियो बताइए सीरीज एंड पैरेलल, बात समझ में आ रही है, हीट का रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले आपको मालूम है अगर सीरीज में आप बात करें तो सीरीज में क्या करते हैं, हम दोनों को सिंपली ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा। जब आप पैरेलल में सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1/R प्लस 1/R इज इक्वल्स टू 2/R, देन RP इक्वल्स टू R बाय 2। इसको आप सिंपली वैसे डायरेक्ट भी कर सकते थे, जब दो रेजिस्टेंस सेम वैल्यू के पैरेलल में ऐड होते हैं, वोल्टेज अगर आपका सेम जा रहा हो या नहीं, सिंपली क्या करना है आपको, हाफ कर देना है उसका। क्या बताया, सिंपल से कंसेप्ट, जब दो रेजिस्टेंस सेम वैल्यू के पैरेलल में होते हैं, उनका इक्विवेलेंट, उनका नेट, उनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो होता है उसके, वो कैलकुलेट सिंपली कैसे करना है, हाफ कर दीजिए उसका। तो R का हाफ कितना हो गया, R बाय 2, और हमने सॉल्व करके भी क्या वैल्यू बताई, R बाय 2। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हीट का फॉर्मूला यूज़ करना है। हीट का फॉर्मूला यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, V² / R × T, क्या यूज़ करना है, V² / R × T। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, बताया था मैंने आपको, H क्या होता है, I² RT, I क्या होता है, V² / R² × R × T, एक R से एक R कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, V² R × T, यहाँ से ये फॉर्मूला आया। क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो इन दोनों कंडीशन में वोल्टेज हमने सेम प्रोवाइड किया है, वोल्टेज कैसा प्रोवाइड किया हुआ है, सेम प्रोवाइड किया हुआ है। जब वोल्टेज सेम होगा तो एक बार एक काम करते हैं, पहले हम सीरीज के लिए हीट निकाल लेते हैं। सीरीज के लिए हीट क्या होगा, V² / RS × T। पैरेलल के लिए क्या होगा, V² / RP × T। इन दोनों को क्या करना है, रेशियो लेना है हमको, रेशियो पूछा है क्वेश्चन में, तो क्या कर देंगे, इनको डिवाइड कर देंगे, V² से V², T से T कैंसिल आउट हो जाएगा, RP / RS, RP सबसे ऊपर जाएगा, RS अपॉन में आ जाएगा। RP की वैल्यू कितनी थी, R/2, RS की वैल्यू कितनी थी, 2R, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4R, R से R कट जाएगा, कितना रेशियो आ गया, 1:4। समझ में आई बात, क्या किया हमने, वैल्यूज को पुट किया, HS/HP निकाला, V² से V² कैंसिल आउट हुआ, T से T कैंसिल आउट हुआ, ये RP सबसे ऊपर जाएगा, जब RP सबसे ऊपर जाएगा तो ऊपर लिख दिया हमने यहाँ पे, अपॉन में चल रहा है RS, दोनों की वैल्यू, RS की वैल्यू 2R पुट करी, RP की वैल्यू R/2 पुट करी, 2 और 2 4 हो गया यहाँ पर, इधर ही जाएगा ये बेसिकली, R से R कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 1:4। समझ में आ रही बात, ठीक। चलिए तो और क्वेश्चन करते हैं, इसको एक बार अप कर देते हैं हम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीरीज पैरेलल पे बेस्ड है ये क्वेश्चन, तो थोड़ा सा देखते हैं किस टाइप से ये क्वेश्चन होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, एक सीरीज पे बेस्ड है, सीरीज और पैरेलल पे बेस्ड, ये एक ऐसा एक सर्किट डायग्राम दे रखा है आपको, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे 5 रजिस्टर लगे हुए हैं, कितने, 5 रजिस्टर, इन सब की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, R दे रखी है, इस पॉइंट को A, इस पॉइंट को B, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द अफेक्टिव रेजिस्टेंस, फाइंड द अफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन
ए एंड बी, ए और बी के बीच में आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ज़रा आप बताइए, ये जो सारे रेजिस्टर लगे हुए हैं चेक करके देखिए, ये सीरीज़ में है या पैरेलल में। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि रेजिस्टेंस सीरीज़ में या पैरेलल में? अगर एक सिंगल पाथ चलता जाता है हमारा, जहाँ पे करंट कहीं पर भी डिस्ट्रीब्यूट या डिवाइड नहीं हो रहा है, तो वो कनेक्शन कैसे होते हैं? सीरीज कनेक्शन होते हैं। जहाँ पे हमारा करंट डिवाइड हो जाता है, वो कनेक्शन क्या होते हैं? हमारे पैरेलल कनेक्शन होते हैं। तो एक बात देखिए, यहाँ पे सारे रेजिस्टेंस जो लगे हुए हैं, जितनी भी रेजिस्टर की जो वैल्यू है आप देख रहे हैं, जो ये सारे किस में लगे हुए हैं, करंट यहाँ से चला, सपोज करो करंट कहीं भी डिवाइड हो रहा है क्या? बताएं ज़रा, करंट कहीं भी डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं हो रहा करंट कहीं भी डिवाइड। हमारा करंट एक सिंगल पाथ को फॉलो कर रहा है, कहीं पे भी करंट की वैल्यू डिवाइड नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये सारे रजिस्टर किस में लगे हुए हैं? सीरीज में लगे हुए। तो R प्लस R प्लस R प्लस R प्लस R, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 5R। तो व्हाट इज़ द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन? 5R। सिंपल था। सिर्फ क्या किया हमने, हमने चेक किया कि रजिस्टर जितने भी लगे हुए हैं सीरीज में या पैरेलल में, उसके हिसाब से हमने तुरंत क्या कर दिया, सीरीज का फॉर्मूला लगाया, सारों को ऐड किया, आंसर आ गया, सिंपल। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। ये क्वेश्चन सर्किट डायग्राम बनाते हैं, इजी है ये क्वेश्चन भी। यहाँ पर एक रजिस्टर है, ये एक रजिस्टर है, ये एक रजिस्टर की वैल्यू है, और यहाँ पर एक रजिस्टर है, ये एक रजिस्टर की वैल्यू है, ये एक रजिस्टर वैल्यू लगा हुआ है यहाँ पर, इसकी वैल्यू 1 ओम है, इसकी वैल्यू 2 ओम है, इसकी वैल्यू 4 ओम है, अगेन इसकी वैल्यू 2 ओम है, इसकी वैल्यू 1 ओम, इसकी वैल्यू 2 ओम, इसकी वैल्यू 2 ओम। ये ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक। एक बार चेक कर लेता हूँ सर्किट डायग्राम सही है कि नहीं है। 1 ओम, 2 ओम, सॉरी ये 1 ओम का दे रखा है यहाँ पर, ओके, ये 1 ओम का है, ये 2 ओम का है, और यहाँ पर एक सर्किट रेजिस्टेंस और लगा हुआ है जिसकी वैल्यू 4 ओम है। तो 1 ओम, 2 ओम, 4 ओम, 2 ओम, 1 ओम, 2 ओम और 2 ओम, ये सर्किट हमको दे रखा है। क्वेश्चन अभी भी वही है, क्या पूछ रहा है वो? फाइंड द अफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। बहुत सिंपल है, अगर आप चेक करेंगे तो एक काम कर सकते हैं हम, इन तीनों रजिस्टर को देखिए आप, यहां से करंट क्या हुआ, करंट क्या हो रहा है, इन तीनों रजिस्टर को चेक करिए, तीनों रजिस्टर किसमें दे रखे हैं आपको, किसमें दे रखे हैं? करंट क्या हो रहा है, यहां से करंट आया, करंट डिवाइड हो गया, फिर यहां से करंट आया, डिवाइड हो गया, ये तीनों रजिस्टर किसमें हैं? पैरेलल में है सर। किसमें है ये तीनों रजिस्टर? पैरेलल में। जब भी करंट डिवाइड होता है तो वो कॉम्बिनेशन क्या होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं? आरपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/2। तो 1/RP की वैल्यू कितनी आ गई? कितना एलसीएम आ गया? 2, 4, 2। कितना एलसीएम आ गया? 4 एलसीएम आ गया। कितना एलसीएम आ गया? 4। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया? 4। 2 2 4 1, 2 2 4, 2 + 2 5/4। तो आरपी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? आरपी की वैल्यू आ गई हमारे पास 4/5। कितनी आ गई? 4/5 ओम आ गई। बात समझ में आ रही है? तो आरपी की, अभी हमने ये 1, 2, 3 रजिस्टर को सॉल्व कर दिया पैरेलल में, इसका मतलब अब आप इन तीनों रजिस्टर को हटा दीजिए, उसकी जगह सिर्फ आप एक रजिस्टर लगा दीजिए जिसकी वैल्यू कितनी होगी? 4/5 ओम। कितनी होगी? 4/5 ओम। अब जरा चेक करिए, ये 1 ओम, 4/5 ओम और 1 ओम, ये किसमें दिख रहे हैं आपको? सीरीज में दिख रहे हैं। किसमें दिख रहे हैं आपको? ये सीरीज में। करंट कहीं भी डिवाइड हो रहा है क्या? यहां से करंट आया, यहां पे करंट जाने के बाद करंट कहीं भी डिवाइड हुआ क्या? नहीं, कहीं पे भी डिवाइड नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये सीरीज का फॉर्मूला यहां पे लगाना है, क्या होगा? 1 + 4/5 + 1। तो ये हो गया 2 + 4/5, इसकी वैल्यू आ गई 5, 1 × 5 = 5 = 10, 5 × 5 = 4 = 14/5 ओम। कितनी आ गई? 14/5
फाइव हो, बात समझ में आ रही है। एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया, ठीक। तो आर एस की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 14.5 ओम। इसका मतलब इन दोनों को भी हटा दीजिए आप, इन सारे सर्किट में जितने भी रजिस्टर दे रखें इसको भी हटा दीजिए, उसकी जगह सिर्फ एक रजिस्टर लगा दीजिए जिसकी वैल्यू कितनी होगी 14.5 ओम, ठीक। अब ज़रा ये देखिए दोनों रजिस्टर किस में लगे हुए हैं, बहुत सिंपल है, करंट कहीं भी डिवाइड हो रहा है इन दोनों रजिस्टर में, चेक करिए करंट कहीं भी डिवाइड नहीं हो रहा। करंट अगर कहीं भी डिवाइड नहीं हो रहा तो 2+2 कितना हो गया, 2+2 कितना हो गया सर, 4 ओम हो गया। सीरीज का फॉर्मूला लगा दिया क्या, 2 ओम + 2 ओम कितना हो गया, 4 ओम। समझ में आ रही बात। जैसे जैसे आप सॉल्व करते जाएं सर्किट को चेंज करते जाइए, इससे आपके लिए इजी हो जाएगा आइडेंटिफाई करना कि ये पैरेलल में है या सीरीज में। अगर आप उसी डायग्राम को बार बार यूज करेंगे तो हो जाए, हो सकता है कि आपसे मिस्टेक होने हो जाए बेसिकली, या मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसके लिए क्या करना है आपको, अलग से एक साइड में लाइन ड्रॉ करने के बाद एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है इस टाइप का तो अलग से रफ वर्क में ये करते जाइए, आप मेन में भी आप उसको दिखा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक। अब ये बताइए दोनों किस में दिख रहे हैं, यहाँ से करंट आया एक, कुछ करंट यहाँ चला गया, कुछ करंट यहाँ चला गया, तो इसका मतलब ये दोनों किस में है, पैरेलल में है। क्या होता है पैरेलल का फॉर्मूला, 1/RP क्या होता है, 1/R1 + 1/R2, तो 1/4 + 14/5। इसको ज़रा सॉल्व कर लीजिए, तो 1/RP की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4 + 5/14। 14 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, 14 4 कितने होते हैं बताइए, 4 4 16 4 1 4 56, तो कितना एलसीएम आ गया, 56। 4 के टेबल में 56 कितनी बार जाएगा, 14 बार, 14 × 4 कितने होते हैं 56, तो 14 आ गया ऊपर, प्लस 14 के टेबल में कितनी बार, 4 बार, तो ये आ गया 20, तो ये आ गया आपके पास 34/56 ओम। तो आरपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 56/34 ओम, दिस इज योर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्लियर। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बट थोड़ा सा आप बोल सकते हैं कि रेयरली आते हैं इस टाइप क्वेश्चन, थोड़ा लेंथी हो जाएगा, इस वजह से बोर्ड इसको अवॉइड करता है लेंथी क्वेश्चंस को, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस करने होते हैं बोर्ड में, बट हमें आने चाहिए, ठीक। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, सर्किट देखते जाइए बनाते जाइए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। चलिए एक क्वेश्चन है, ये भी सीरीज पैरेलल बेस्ड है, यहाँ पे आपको एक 5 ओम का ये इसकी वैल्यू 5 ओम है, इसकी वैल्यू 5 ओम है, इसकी वैल्यू 5 ओम है, इसकी वैल्यू भी 5 ओम है, और यहाँ पे हमको ये 2 पॉइंट्स दे रखे हैं ए एंड बी। आपको ए और बी के बीच में क्या निकालना है, क्या निकालना है ए और बी के बीच में, रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस फाइंड करना है आपको। तो कैसे फाइंड करेंगे नेट रेजिस्टेंस बताएं आप, कैसे फाइंड करेंगे नेट रेजिस्टेंस, देख सकते हैं दोनों किस में दे रखे हैं आपको। करंट कहीं डिवाइड हुआ, नहीं हुआ, 5+5 कितना हो गया, 5+5 कितना हो गया, 10 ओम हो गया, ठीक। इन दोनों को हटा दीजिए, इसकी जगह क्या लगा दीजिए, एक 10 ओम का रेजिस्टेंस। अब ये 5 10 5 किस में दिख रहे हैं आपको, करंट यहाँ से आया, यहाँ भी डिवाइड हो जाएगा, तीनों में क्या हो रहा है करंट डिवाइड, तीनों रजिस्टर किस में लगे हुए हैं हमारे, ये पैरेलल में लगे हुए हैं। और पैरेलल का फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है, 1/5 + 1/10 + 1/5, एलसीएम कितना आ गया, 10 आ गया एलसीएम, 5 2 10 10 1 10 5 2 10 2+2 4 5/10, तो आरपी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 10/5 विच इज इक्वल्स टू 2 ओम, तो आरपी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2 ओम। समझ में आ रही बात, सिंपल था ये भी, ओके। एक सर्किट और है हमारे पास, उसको देखते हैं, एक हम चेक कर लेते हैं रिकॉर्डिंग प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक सर्किट बनाते हैं,
इसकी वैल्यू 2 ओम है, इसकी वैल्यू भी 2 ओम है, ये बी पॉइंट दे रखा है हमको, ये ए पॉइंट दे रखा है, ये भी 2 ओम का है, ये भी 2 ओम का है। चलिए बताइए कैसे दिख रहे हैं आपको ये दोनों, किस में दिख रहे हैं आपको करंट? सपोज करो यहाँ से आया तो कुछ करंट यहाँ गया, कुछ करंट यहाँ गया, यहाँ से करंट आया, कुछ करंट यहाँ जाएगा, कुछ करंट, दोनों किस में है? ये पैरेलल में। अभी बताया था मैंने आपको जब दो रजिस्टर सेम वैल्यू के पैरेलल में होते हैं तो उनकी वैल्यू क्या हो जाती है? हाफ हो जाती है। इसको सॉल्व भी करके देख लीजिए, 1/RP क्या हो जाएगा, 1/2 + 1/2 देन 2 1+1 विच इज़ इक्वल्स टू 2/2 विच इज़ इक्वल्स टू 1 ओम। तो आरपी की वैल्यू कितनी आ गई? 1 ओम। 2 का हाफ कितना होता है? 1, तो 1 ओम आ गया। इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब इन दोनों को हटा के आप सिर्फ एक रजिस्टर लगा सकते हैं जिसकी वैल्यू कितनी हो? 1 ओम। इसको भी जब आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 1 ओम। इन दोनों को भी हटा दीजिए, कितनी आ रही है इसकी वैल्यू? 1 ओम आ रही है। अब बताइए दोनों किसमें दे रखे हैं आपको, सर्किट में चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये दोनों भी किसमें दे रखे हैं आपको? 1 और 1। बताइए यहाँ से करंट आ रहा है, ये यहाँ करंट चला गया, यहाँ करंट चला गया, ये दोनों भी किसमें? पैरेलल में। तो 1 का हाफ कितना होता है? 0.5 ओम। सॉल्व कैसे करेंगे अगर आप करना चाहते हैं तो 1/RP किसके इक्वल? 1/1 + 1/1 एलसीएम कितना आ गया? 1। तो 1 + 1 कितना हो गया? 2/1 देन आरपी इक्वल्स टू 1/RP इक्वल्स टू 1/2 देन 1/2 यू कैन राइट इज इक्वल्स टू 0.5 ओम। समझ में आ रही बात? सिंपल, 1/2 का हाफ क्या होता है? 0.5 ले सकते हैं इसको आप। तो ये भी क्वेश्चन सिंपल था अगर आपको सीरीज और पैरेलल में। अभी आप देखोगे अभी हमने 3-4 क्वेश्चन किए, फॉर्मूला सिंपल है, बट आप जो चेक कर रहे हैं कि ये रजिस्टर सीरीज में है या पैरेलल में, वो सही चेक कर रहे हैं तो आपका आंसर कभी गलत नहीं आएगा। तो मैं वापस रिवाइज करवा रहा हूँ आपको कि सीरीज और पैरेलल में कैसे चेक करते हैं। करंट अगर डिवाइड हो रहा है, जैसे कि मैं बार बार बोलता कि करंट यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, तो इसका मतलब वो पैरेलल में है। करंट एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो कर रहा है, कहीं पर भी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो वो कॉम्बिनेशन क्या होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। बात समझ में आ रही है? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम। 5 मार्क्स में आया था आपके, ये बोर्ड का क्वेश्चन है जो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ। 5 मार्क्स में आया था ये क्वेश्चन, तो देखते हैं क्या क्वेश्चन आया था। एक सर्किट बना हुआ है, इसकी वैल्यू हमको दे रखी है 4 ओम, ठीक, और यहाँ पर एक एमीटर लगा हुआ है, इसका नाम दिया हुआ है A1, और यहाँ पर आपको 2 रजिस्टर गिवन है, जिसकी वैल्यू है 8 ओम, इसकी वैल्यू भी है 8 ओम, और यहाँ पर आपको एक की दे रखी है, यहाँ पर आपको एक एमीटर लगा हुआ है, ये माइनस ये प्लस, ठीक, इसका एमीटर का नाम A2 है, और हमें एक 8 वोल्ट की बैटरी यहाँ पर लगी हुई है, और यहाँ पे कुछ नाम गिवन है A, इस पॉइंट को बोला B, इस पॉइंट को बोला C, ठीक, और इस पॉइंट को बोला हमने डी। तो पहला पार्ट है क्वेश्चन का, फाइंड अफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है आपको? अफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे अफेक्टिव रेजिस्टेंस? सेम मेथड चेक करिए, यहाँ पे करंट क्या हो रहा है? 2 पार्ट में चला गया, 2 अलग अलग पाथ पे चला गया, तो इसका मतलब पैरेलल में है। अभी बताया था पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/R1 + 1/R2 एलसीएम आ गया आपका 8 देन 1+1 विच इज इक्वल टू 2/8 विच इज इक्वल टू 1/4, तो आरपी की वैल्यू आ गई आपके पास 4 ओम। तो आप इन दोनों को हटा के सिर्फ एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं जिसकी वैल्यू कितनी होगी? 4 ओम, और इसके साथ में एक एमीटर और इसके साथ में एक 4 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, और यहाँ पर आपकी एक बैटरी लगी हुई है, ठीक। तो यहाँ से करंट जब जाएगा
तो इसमें जो करंट जाएगा, कहीं पे डिवाइड हुआ क्या करंट? कहीं पर भी डिवाइड नहीं हुआ। एमीटर लगा हुआ है तो क्या हुआ, एमीटर से करंट थोड़ी डिवाइड होता है, एमीटर सिर्फ करंट को मेजर करने का काम आ रहा है। ठीक, तो यहां से करंट हमारा सेम पाथ पे फॉलो कर रहा है, कहीं पर भी डिवाइड नहीं हो रहा है। इस वजह से ये कॉम्बिनेशन क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। ठीक, और सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, आर वन प्लस आर टू। तो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया, इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया बच्चों, 8 ओम आ गया। समझ में आ रही बात, सिंपल है ना। ठीक है, फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया आपका। सेकंड पार्ट कह रहा है करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम रेजिस्टेंस। सेकंड पार्ट में पूछा है आपसे करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम रेजिस्टेंस, करंट फाइंड करना है आपको 4 ओम के अक्रॉस क्या निकालना है, करंट फाइंड करना है। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ फटाफट, आई इक्वल्स टू क्या होता है, वी अपॉन आर इक्विवेलेंट। क्या होता है, वी अपॉन आर इक्विवेलेंट। समझ में आ रही बात। तो वी की वैल्यू देखिए क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, वोल्टेज कितना दे रखा है, 8। आपके पास आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट कितना है आपके पास, क्योंकि करंट तो पूरे सर्किट में जाएगा, इसलिए आपको टोटल करंट निकालना है। यहां पर यहां से करंट गया तो वही करंट वापस घूम के कहां जाएगा, 8 वोल्ट की बैटरी में जाएगा या सेल में जाएगा। तो इसका मतलब यहां पे आप जो 4 ओम कंफ्यूज करने के लिए बोल रहा है उसने कि 4 ओम के अक्रॉस निकालो, बच्चे गलती क्या करेंगे कि यहां पे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 4 ओम, और यहां पे आंसर निकाल देंगे 2 एम्पीयर, और बोर्ड में एग्जामिनर क्या कर देगा, इसको काट देगा। समझ में आ रही बात, क्यों काटेगा, क्योंकि हमें टोटल करंट निकालना है। टोटल करंट निकालने के लिए रेजिस्टेंस भी क्या लेना पड़ेगा, टोटल, और टोटल रेजिस्टेंस कितना आया है, 8 ओम आया है। तो हम यहां पे क्या वैल्यू पुट करेंगे, 8 ओम वैल्यू पुट करेंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 एम्पीयर आंसर आ जाएगा हमारा। समझ में आ रही बात, ओके। सेकंड पार्ट भी हो गया हमारा। थर्ड पार्ट है करंट के बाद पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है हमको। क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस हमको फाइंड करना है। अगेन पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वी इक्वल्स टू आई आर। क्या होता है, वी इक्वल्स टू आई आर। तो वी, आई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1। किसके अक्रॉस निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, 4 ओम के अक्रॉस। तो आर की वैल्यू कितनी यूज करेंगे हम, 4। तो आंसर कितना आ गया, 4 वोल्ट। इसका मतलब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, मतलब ये 8 वोल्ट में से 4 वोल्ट तो इसके अक्रॉस क्या हो जाएगा, पोटेंशियल का डिफरेंस आ जाएगा। इतना पोटेंशियल वहां पे देखने को मिलेगा। अगर मैं यहां पे एक पैरेलल में क्या लगा दूं, एक वोल्ट मीटर लगा दूं, तो वो कितना वोल्टेज देगा, 4 वोल्ट देगा। कितना देगा, 4 वोल्ट। समझ में आ रही बात, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पावर निकालनी है आपको। क्या निकालनी है, पावर। क्या होता है पावर का फॉर्मूला, आई स्क्वायर आर। आई की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1। और पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस सॉरी पावर किसके अक्रॉस पूछा है, 4 ओम के अक्रॉस। तो आई की वैल्यू 1 एम्पीयर है, आई की वैल्यू 1, और आर की वैल्यू कितनी है, 4। तो कितना आ गया अपने पास, 4 वॉट। कितना आ गया आंसर, 4 वॉट। तो यहां से हमारे पास आंसर कितना आ गया है, 4 वॉट। अब एक बार बताइए, एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन जो 5 मार्क्स में आया था, 5 पार्ट में आया था ये क्वेश्चन, दिस इज द फोर्थ पार्ट, ये इसका फोर्थ पार्ट था। अब हम डिस्कस करें यहां पे इसके फिफ्थ पार्ट को। तो फिफ्थ पार्ट क्वेश्चन ने बोला था, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन एमीटर रीडिंग, जो यहां पर 2 एमीटर जो लगे हुए हैं, क्या इनकी रीडिंग्स में कोई डिफरेंस देखने को मिलेगा, मतलब ये अलग करंट की वैल्यू बताएगा, ये अलग करंट की वैल्यू बताएगा, इज इट पॉसिबल, कैसा होगा। सोचिए कि अगर यहां से करंट जो निकला है, ठीक, सर्किट में पूरा करंट गया, वापस जब सेल में करंट जाएगा तो क्या कुछ अलग जाएगा क्या। इसको कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जितना चार्ज जिस सेल से निकला है या बैटरी से, उतना ही चार्ज उस सेल में जाता है। इसको कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किसी भी एक सर्किट में उस सेल के द्वारा, उस सेल की वजह से जितने भी जो भी चार्ज आपका निकला है, वही चार्ज उस सेल में जाएगा। तो जितना करंट ये मेजर करेगा, उतना ही करंट ये मेजर करेगा। बात समझ में आई, क्यों,
क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है कि इस सेल से अगर आई करंट निकला है तो यहाँ भी आई करंट जाएगा, और इस सेल से निकलने वाला करंट कितना है 1 एम्पियर, तो अगर यहाँ पर 1 एम्पियर करंट इस सेल की वजह से निकला तो इस सेल में कितना करंट जाएगा 1 एम्पियर। तो इस सेल के जस्ट नीचे देखो क्या है, एमीटर, तो ये कितना करंट मेजर करेगा 1 एम्पियर, ये भी कितना करंट मेजर करेगा 1 एम्पियर। तो आंसर क्या होगा, नो डिफरेंस बिकॉज करंट इज सेम, बिकॉज करंट इज सेम। समझ में आ रही बात आपको, अच्छा था क्वेश्चन। चलिए जब कर दें इसको, नोट कर लीजिए पॉज कर करके वीडियो आराम से, ठीक। चलिए आप लोग बोर हो रहे होंगे ना कि सर आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, बट बेटा जितने क्वेश्चन करेंगे उतना आपके लिए क्या होगा, बोर्ड में अच्छे मार्क्स आएंगे आपके, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और है, ये आपका बेस्ड है बेसिकली सीरीज पैरेलल पे ही है, सिंपल है ये क्वेश्चन भी। देखिए एक ट्रायंगल शेप बनी हुई है यहाँ पर एक रजिस्टर्स की, तो ये एक रजिस्टर लगा हुआ है, ये एक रजिस्टर लगा हुआ है, और यहाँ पर भी एक रजिस्टर लगा हुआ है, और यहाँ पर भी हमारा एक रजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पर भी एक रजिस्टर लगा हुआ है। यहाँ पे हमको एक बैटरी दे रखी है, एक एमीटर दे रखा है, और एक की दे रखी है हमको। इसकी वैल्यू है 0.5 ओम, इसकी वैल्यू है 0.5 ओम, इसकी वैल्यू है 3 ओम, और इसकी वैल्यू है 3 ओम, और इसकी वैल्यू है 3 ओम। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एमीटर रीडिंग, और फाइंड द एमीटर रीडिंग, करंट निकालना आपको, क्या निकालना है, और वोल्टेज यहाँ मैंने नोटेड डाउन नहीं किया है, तो आप कुछ भी वोल्टेज ले लीजिए, सपोज करिए 6 वोल्ट ले लिया हमने, कितना ले लिया 6 वोल्ट, ठीक। कैसे निकालेंगे करंट, करंट का फॉर्मूला, एमीटर रीडिंग बतानी है। एमीटर रीडिंग मतलब एमीटर क्या देता है, करंट बताता है हमको, तो करंट पूछ रहा है वो क्वेश्चन में। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, वी बाय आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, ये दोनों देखिए इसमें है, यहाँ से अगर करंट चला तो करंट कहीं डिवाइड होगा क्या, नो सर करंट कहीं डिवाइड नहीं हुआ, तो 3 + 3 कितना हो गया, ये सर 6 ओम हो गया, ठीक। अब जरा यहाँ पे चेक करिए, करंट यहाँ पे और यहाँ पे क्या हो गया, डिवाइड हो गया, और जब करंट डिवाइड हो जाता है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल का फॉर्मूला 1/6 + 1/3, कितना एलसीएम आ गया 6, तो 6 1 = 6, 3 2 = 6, देन इट इज इक्वल टू 3/6 विच इज इक्वल टू 1/2, देन आरपी इक्वल टू 2, आरपी कितना आ गया हमारा 2 आ गया। इसका मतलब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसकी जगह हम क्या लगा सकते हैं, एक 2 ओम की वैल्यू को लगा सकते हैं, ठीक। अब जरा चेक करिए तीनों किसमें हैं, सर सीरीज में करंट कहीं भी डिवाइड नहीं हो रहा है, करंट अगर डिवाइड नहीं होता है तो तीनों सीरीज में 2 + 0.5 + 0.5 कितना आ गया आंसर, सर 3 ओम आ गया, कितना आ गया 3 ओम। क्वेश्चन में पूछा क्या था, आई पूछा था, तो वी की वैल्यू 6 दे रखी है, आर इक्विवेलेंट हमारा 3 आया है, तो आई कितना आ गया 2 एम्पियर, कितना आ गया आई 2 एम्पियर। समझ में आ रही बात, सिंपल था ये भी। चलिए ओके, एक क्वेश्चन है इसको देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, सिंपल है वैसे तो। आपको एक बल्ब दे रखा है, एक बल्ब है आपके पास, उस बल्ब की जो पावर है, सॉरी वाट है, 24 वाट दे रखी है हमको, और वोल्टेज दे रखा है हमको 12 वोल्ट, कितना दे रखा है 12 वोल्ट, पावर हमको 24 वाट दे रखी है और वोल्टेज हमको 12 वोल्ट दे रखा है। कह रहा है क्वेश्चन में, कैलकुलेट द अफेक्टिव वोल्टेज इफ़ इट्स ऑपरेट ऑन अ 6 वोल्ट बैटरी। आप पावर बताइए हमको कि अगर इसी बल्ब को मैं 6 वोल्ट की बैटरी के साथ में सॉल्व करूं, तो पावर पूछ रहा है बेसिकली। तो पहले पावर कितनी थी 24 वाट, वोल्टेज कितना था 12 वोल्ट, अब नया वोल्टेज कितना है 6 वोल्ट, इसको P1, इसको V1, इसको V2 और इसको मान लेते हैं P2। P2 हमें पूछ रहा है क्वेश्चन में कि जब आप इस बल्ब को
6 वोल्ट की बैटरी के साथ ऑपरेट करते हैं तब इस बल्ब की पावर कितनी होगी, ये कितना पावर कंज्यूम करेगा। समझ में आई बात? कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं यहाँ पे? क्वेश्चन में कह रहा है नेगलेक्ट द चेंज इन रेजिस्टेंस। एक चीज और गिवन है क्वेश्चन में, नेगलेक्ट द चेंज इन रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस चेंज करने से करंट में चेंज आ जाता है, बट वो कह रहा है निगलेक्ट कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, आपको एक फॉर्मूला पढ़ा है पी इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर, पावर का फॉर्मूला पढ़ा है हमने पी इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो पी वन इक्वल्स टू वी वन का स्क्वायर अपॉन आर, तो निगलेक्ट करना ही है तो कोई मतलब ही नहीं आर का। तो पी टू की वैल्यू इसी तरह क्या आ जाएगी, वी टू अपॉन आर। अब P2 आपको फाइंड करना है तो P2 को P1 से डिवाइड कर दीजिए, P2 को P1 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा V2 स्क्वायर अपॉन R अपॉन V1 स्क्वायर अपॉन R, R से R कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा V2 स्क्वायर अपॉन V1 का स्क्वायर। समझ में आ रही बात? तो P2 अपॉन P1 इज इक्वल्स टू V2 स्क्वायर अपॉन V1 का स्क्वायर। P2 फाइंड करना है तो P1 into V2 square upon V1 square, पहले पावर कितनी गिवन थी हमको 24, हमने 24 लिखा। V2 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको 6, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। V1 की वैल्यू कितनी है, सॉरी हाँ V1 की वैल्यू 12 जा 144। इसको आप सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 24 के टेबल में 144 आता है क्या, 24 इंटू 6 करके देखिए ज़रा, 6 4 जा 24 6 जा 12, कितनी बार गया ये 6 बार, और 6 6 जा 36, कितना आंसर आ गया 6 वाट आंसर आ गया। इसका मतलब कि अगर उसी बल्ब को मैं कितनी वोल्टेज दूँ उसको, 6 वोल्ट की बैटरी से अगर कनेक्ट करता हूँ या ऑपरेट करता हूँ, उस टाइम उस बल्ब की पावर 24 वाट से कितनी रह जाएगी, 6 वाट की पावर रह जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, सिंपल था, फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। फॉर्मूला क्या यूज़ किया हमने, वी स्क्वायर अपॉन आर। रेजिस्टेंस को क्यों निगलेक्ट कर दिया, क्वेश्चन में दे रखा था कि निगलेक्ट द रेजिस्टेंस, अगर ये रेजिस्टेंस निगलेक्ट नहीं करते तो हमें रेजिस्टेंस क्वेश्चन में फिर दूसरा स्टेप से बनता है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी होती है, निकालनी पड़ती, तब हम इसको यूज़ करते, तब डिवाइड करते, तब हमारा आंसर आता, बट वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, बड़ा हो जाता, इसलिए रेजिस्टेंस उन्होंने सेम दे रखा था या निगलेक्ट ही कर रखा है, इस वजह से P2 को P1 से डिवाइड करने से हमारा आंसर ईजिली आ गया। समझ में आया क्वेश्चन? सिंपल कैलकुलेशन है, P1 को इधर भेज दिया, P2 की वैल्यू निकाली, P2 की वैल्यू निकालने के लिए सारी वैल्यूज पुट कर दी, हमें तीनों वैल्यूज दे रखी थी, सॉल्व कर दिया। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, ओके। ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड में आया है बट बच्चे कई बार गलती कर देते हैं, मैंने इतनी बार मतलब बोर्ड की कॉपी इतनी चेक करी है, उसमें जनरली बच्चे रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस के क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं। दिखाता हूं आपको कैसे गलत करते हैं। एक क्वेश्चन है, आपको एक सिलेंड्रिकल शेप में तीन कंडक्टर दे रखे हैं, ये एल लेंथ का एरिया इसका ए है, एक सेकंड कंडक्टर दे रखा है आपको जिसका एरिया ए बाई टू है, जिसकी लेंथ 2L है, और एक और कंडक्टर दे रखा है आपको, इसकी लेंथ है एल बाई टू और इसका एरिया है 2A। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो आपको देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग तीन हमको चीज़ें दे रखी हैं, लेंथ अलग दे रखा है हमको, तीनों केसेस में एक L है, एक 2L है और एक L बाई 2L है, तीनों के केस में एरिया भी अलग है, एक में A है, एक में A बाई 2 है, एक में 2A है। अगर मैं बोलता फाइंड द रेजिस्टिविटी इन दीज थ्री केसेस, इन तीनों केस में रेजिस्टिविटी फाइंड करिए, और बच्चे इतने होशियार होते हैं रेजिस्टिविटी फाइंड भी कर देते हैं। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या लगाते, R इक्वल्स टू क्या होता है, रो एल अपॉन ए, रो इक्वल्स टू क्या होता है, R A बाई L, यहाँ पे A पुट करते L पुट करते तो क्या निकालते, इसको रो वन बोल देते, इसके लिए रो टू और इसके लिए रो थ्री, और बड़े शानदार तरीके से ब्रैकेट बना के आंसर निकाल के आते, और मैं शानदार तरीके से क्या कर देता उसको क्रॉस कर देता,
अब आप पूछेंगे सर क्यों कर देते, हमने रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला लगाया, एरिया हमें गिविन था, लेंथ गिविन था, हमने फॉर्मूला लगाया, आर के टर्म में आंसर आ गया हमारा, तो आपने गलत क्यों कर दिया। ज़रा याद करो रेजिस्टिविटी होती क्या है। रेजिस्टिविटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू रेजिस्टेंस फॉर यूनिट कंडक्टर एंड यूनिट लेंथ। वो तो एक यूनिट लेंथ, वन मीटर लेंथ और वन मीटर स्क्वायर के लिए वो वैल्यू तो फिक्स होती है, वो वैल्यू तो कांस्टेंट होती है। कभी आपने बुक में पढ़ा कि 10 मीटर सिल्वर के लिए इतनी रेजिस्टिविटी होती है? सिर्फ क्या पढ़ते हैं, रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर इज दिस, रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज दिस, रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम इज दिस। क्यों? क्योंकि रेजिस्टिविटी तो उस यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया के लिए क्या होती है, फिक्स होती है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। बट हमारे होशियार बच्चे क्या करते हैं, रेजिस्टिविटी फाइंड करके आते हैं। तो पहले पार्ट अगर बोलता है फाइंड द रेजिस्टिविटी, तो आपको आंसर क्या लिख के आना चाहिए था, आपको लिखना था इन थ्री केसेस रेजिस्टिविटी विल बी सेम बिकॉज इट डू नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया। रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पे डिपेंड करती नहीं है। किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे, नेचर पे डिपेंड करती है। ठीक, अब सेकेंड पार्ट क्वेश्चन में क्या बोला था, फाइंड द क्या बोला था, फाइंड द रेजिस्टेंस। यस सर, रेजिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं, रेजिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। तो पहले लेंथ कितनी थी, कैपिटल में लिख दो, कैपिटल में दे रखिए तो एरिया ए लिख दिया, दिस इज आर वन। आर टू की वैल्यू कितनी होती, रो एल कितनी है, टू एल, एरिया कितना है, ए बाई टू, टू कहाँ जाएगा ऊपर, तो फोर एल अपॉन ए। आर थ्री की वैल्यू निकालो कितनी आ जाएगी, रो एल कितना है, एल बाई टू अपॉन, एरिया कितना है, टू ए, इसको सॉल्व करिए क्या आएगा, ये आएगा रो एल टू अपॉन में आएगा तो फोर ए, ये टू किस में आएगा, अपॉन में आएगा, तो टू टू जा फोर, तो ये कितना आ गया, रो एल अपॉन फोर ए। अब मैं आपसे बोलता हूँ इन तीनों को चेक करो, सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किसका है, सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किसका है, आर टू का है। क्यों सर, फोर से मल्टीप्लाई हो रहा है, किससे, फोर से, ये वैल्यू किससे मल्टीप्लाई हो रही है, फोर से। सबसे कम रेजिस्टेंस किसका है, आर थ्री का है, उसके बाद किसका रेजिस्टेंस है, आर वन का है। तो ये कंपेयर करने के लिए आता है, सबसे ज़्यादा फिर उससे कम, सबसे ज़्यादा ये हो गया। अगर आप स्मॉल से हाई जाएंगे तो स्मॉल ये और ये, और बड़े छोटे जाएंगे तो उसके बाद पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, समझ में आ रही बात, ठीक है। आर टू, फिर आर थ्री, फिर आर वन, फिर या फिर बोल सकते हैं आप अगर दूसरे ऑर्डर में लिखेंगे तो आप छोटे से बड़े के ऑर्डर में लिखेंगे, छोटे से बड़ा मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो क्या होगा, आर वन, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आर वन, देन आर थ्री, देन आर टू, दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर, समझ में आ रही बात। तो ये क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए। तो शेप अलग होने से रेजिस्टेंस चेंज होता है, रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए कुछ ग्राफ के क्वेश्चन है वो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों को ग्राफ वाले क्वेश्चन में भी कभी डाउट रहता है कि इसे ग्राफ में कैसे सॉल्व करेंगे। आपको एक ओम्स लॉ का ग्राफ गिवन है, यहाँ पर आपको दो में ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, ये R2 है, ये R1 है। क्वेश्चन में हमको गिवन है कि दो स्टूडेंट ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, किसका, ओम्स लॉ का, और उन्होंने दो स्टूडेंट ने ये ग्राफ प्लॉट करके दिखाया, आर वन ग्रेटर देन आर टू है, आर वन की वैल्यू आर टू से ज़्यादा है। क्वेश्चन पूछ रहा है इन दोनों स्टूडेंट में से किसका जो ग्राफ है वो क्या है, करेक्ट है, वी आई ग्राफ हमको दे रखा है यहाँ पर, और क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन दोनों ग्राफ में से किसका ग्राफ, दोनों स्टूडेंट में से किसका ग्राफ करेक्ट है। सोचिए जरा किसका ग्राफ करेक्ट होगा, इसको स्टूडेंट वन मान लीजिए, इसको स्टूडेंट टू मान लीजिए, ये वाला ग्राफ सही है या ये वाला ग्राफ सही है। कंडीशन क्या है, आर वन इज ग्रेटर देन आर टू, रेजिस्टेंस जो है वो आर वन वाला
दो वायर है सपोज करो, तो आर वन वाले का रेजिस्टेंस सॉरी वायर वन वायर का जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा है और दूसरे वायर का रेजिस्टेंस क्या है कम है, कैसे करेंगे थोड़ा सोचिए। ओके चलिए बताते हैं, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हमें मालूम है वी आई ग्राफ का जो स्लोप है वो हमको क्या देता है, रेजिस्टेंस देता है, क्या देता है हमको रेजिस्टेंस देता है। वी आई ग्राफ का जो स्लोप है हमको क्या प्रोवाइड करता है, रेजिस्टेंस। अब जरा स्लोप चेक करें, ये चेक करें जरा, इस केस में आर वन क्या आ रहा है, किसका स्लोप ज्यादा आ रहा है बताएं, ये आर वन है, इसका स्लोप इतना है और इसका स्लोप इतना है। इस ग्राफ में जरा चेक करें, ये आर टू का स्लोप ज्यादा आ रहा है, आर वन का स्लोप कम आ रहा है। इस ग्राफ में आर वन का स्लोप ज्यादा आ रहा है, आर टू का स्लोप ज्यादा आता है। तो पहली बात तो समझा देता हूं, हायर द रेजिस्टेंस, स्लोप जिसका ज्यादा होगा रेजिस्टेंस भी उसका ज्यादा होगा। तो यहां पे स्लोप इस ग्राफ में क्या हो रहा है, ज्यादा है, तो इसका मतलब इस ग्राफ में आर वन क्या है ग्रेटर देन आर टू, और इस ग्राफ में क्या आ रहा है आर टू इज ग्रेटर देन आर वन। तो कौन सा आंसर सही होगा, फर्स्ट ग्राफ सही होगा, क्योंकि इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आर वन ग्रेटर देन आर टू है और क्वेश्चन में भी क्या गिवन थी कंडीशन, आर वन इज ग्रेटर देन आर टू। समझ में आ रही बात, क्योंकि एक क्वेश्चन और है हमारे पास ग्राफिकल बेस्ड, टेम्परेचर पे था ये। ओके टेम्परेचर पे हमें एक और ग्राफ दे रखा है यहां पर, ये भी वोल्टेज और करंट का ग्राफ है और यहां पे हमको दे रखा है टी टू और यहां पे हमको दे रखा है टी वन। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द टू टेम्परेचर, विच ऑफ द टू टेम्परेचर ऑफ द रेजिस्टेंस, विच ऑफ द टू टेम्परेचर ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज हायर, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज हायर, किसका रेजिस्टेंस हमको ज्यादा होगा। यहां पे सपोज करो दो वायर हैं, इस वायर को ए बोल दो, इस वायर को बी बोल दो, ए वाले का टेम्परेचर टी वन है और बी वाले का टेम्परेचर टी टू है। बोल रहा है कि इन दोनों में से किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। अब सोचो आप, अगेन स्लोप देखो, स्लोप टी टू वाले का स्लोप जो है वो हाई है, क्या है स्लोप हाई है। अगर टेम्परेचर जिसका ज्यादा होगा तो सर रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। हायर द टेम्परेचर हायर द रेजिस्टेंस क्यों होता है, ये हमने थ्योरी क्लास में डिस्कस किया हुआ है। जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से उनके बीच में टकराने का समय जिसको हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं वो कम हो जाता है, इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी टकराते हैं, कलिजन ज्यादा देखने को मिलता है, तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, तो किस वायर का, टी टू वाले का टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा हायर। तो आंसर क्या होगा, टी टू, विच ऑफ द टू टेम्परेचर, टी टू इज द टेम्परेचर ऑफ द रेजिस्टेंस बिकॉज द रेजिस्टेंस ऑफ टी टू वायर इज हाई। जिसका टेम्परेचर जो टी टू गिवन है उसका स्लोप ज्यादा होने की वजह से उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा क्यों है बताया मैंने आपको, रेजिस्टेंस ज्यादा होने का कारण क्या है, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सॉरी रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाता है, रेजिस्टेंस के बढ़ने से टेम्परेचर भी बढ़ता है, ये मान लीजिए आप, ठीक है। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर राइज करते जाएंगे रेजिस्टेंस भी राइज होता जाएगा। रेजिस्टेंस मीन्स ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन मीन कलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये किसकी वजह से होता है कलिजन, इतने सारे इलेक्ट्रॉन जब चलते हैं तो आपस में क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, किसके साथ में, इलेक्ट्रॉन के साथ में, एटम के साथ में, उसके आयंस के साथ में। इसी कलिजन को हमने क्या नाम दिया हुआ है, रेजिस्टेंस नाम दिया हुआ है। बात समझ में आ रही है।
तो आज इतने क्वेश्चन किए हमने, एक वीडियो में और बनाऊंगा, जिससे अभी कुछ क्वेश्चंस मेरे और रह गए हैं, अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो और डिस्कस करेंगे, करीब एक वीडियो जिसमें आपके जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट बन सकते हैं उसको बनाऊंगा, और मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें अगेन कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूंगा मैं आपकी। और आई होप कि अभी आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है बेसिकली किस तरह से कंसेप्ट हम अप्लाई करते हैं, कैसे हम रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल में चेक करते हैं, कैसे वोल्टेज निकालते हैं, कैसे करंट निकालते हैं, बेसिक फॉर्मूले आपको आज लगाना आ गए होंगे डेफिनेटली, और आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। थैंक यू। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगी और रिमेनिंग क्वेश्चन जितने भी हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू, बाय।